हैं, स्टूडेंट्स को पीटा गया है, टारगेट किया गया है, कितने लोगों में डर फैले उसके लिए मेहनत की, एबीपीपी ने मेहनत की है, पूरी मैपिंग की है, ब्लूप्रिंट बनाया कि कौन कहां से, बताया गया है कि इस वाले गेट से एंट्री करवा सकते हो, हायर्ड जो आरएसएस और एबीपीपी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं जिनमें दिमाग नहीं होता सिर्फ शक्ल देखे जो वोट लेकर आते हैं वो हायर हुए हैं वहां से, पूरा दिल्ली प्रदेश एबीपीपी को जुड़ा है। अमित शाह अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने वाइस चांसलर को जो कि ढक्कन है, किसी काम का नहीं है। अमित शाह को 3 बार मैंने दिल्ली पुलिस को फोन किया, विच वॉज अ खिलौना नंबर 100, उस पे इतना वॉमिट आउट, दो आई वॉज नोइंग कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद भी एक बार भी रिवर्ट नहीं हुआ है। 100 PCR पे कहते हैं ना आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, मैंने बोलती रह गई कि आप आओ, तो उस पर नहीं आया गया, मैं देख रही थी, इट वॉज जस्ट अ ट्रायल नंबर 100 खिलौना कल हो गया। अमित शाह के कहने पर यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको क्वेश्चन उसको क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली के दिल में जब JNU जैसी यूनिवर्सिटी को आप सेफ नहीं कर पा रहे, अब मैं बोले मतलब आप कहना है कि 5:30 बजे से स्क्रैप डीलर मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैडम आपका सामान हम अब पहुँचा देंगे खाने पीने का, आप रूम से बाहर मत निकलेगा। एक डे स्कॉलर हूँ ना, मैं लेफ्ट पार्टी की हूँ ना मैं राइट पार्टी की हूँ, एक कॉमन स्टूडेंट की तरह से मैं बात करना चाहूँगी। जो भी कल यहाँ हुआ या जो पिछले 2-3 महीनों से हम देखते आ रहे हैं यहाँ पर, उसका हर बार ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि 2016 में जो टुकड़े टुकड़े के नारे लगे उसकी वजह से आज उनके साथ ये हो रहा है, पर ये क्या हम लोग ज़िंदगी भर यही सुनते आएंगे? जो कि हाईकोर्ट ने खुद कह दिया कि एक डॉक्टर्ड वीडियो के दौरान ये प्रोपोगेंडा क्रिएट किया गया था, बट आज भी हम देख रहे हैं कि बोला जा रहा है ABVP के स्टूडेंट्स को मारा गया है। आपको इतने सारे स्टूडेंट्स में कहीं पर भी कोई ABVP का स्टूडेंट दिखा है या हॉस्पिटल में पहुँचा है? नहीं पहुँचा है, पर ये लोग बोल रहे हैं कि ABVP के स्टूडेंट्स को मारा गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। गार्ड्स बोलते हैं, गार्ड्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि अगर तुम्हारे सामने स्टूडेंट तुमको मार रहा है या तुम्हारे सामने कुछ बोल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हाथ उठाएगा, तुम उनको वापस पलट के मारो। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ के गार्ड्स को भर्ती किया गया है और VC अभी तक बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं निकाला है। अगर वो खुद एक ए पॉलिटिकल बनने की कोशिश करते हैं तो एक ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो उनको देना चाहिए, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। गार्ड्स हमारे लोगों की ID चेक करते हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन है, पर अभी तक मैं 5 साल हो गया, मेरा गार्ड ने आज तक ID कार्ड नहीं चेक किया। कल दिन दहाड़े 40 लोग लाठी लेके जब घुसे तो क्या दिन में गार्ड्स देख नहीं रहे थे कि वो लाठी लेके घुस रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका गया? आज मैं जब JNU में आई तो मुझे बोल रहे ID कार्ड दिखाओ, तो मैंने अपना आधार कार्ड दिखा दिया, बोलते नहीं JNU का ID दिखाओ। अगर आपको इतना ही फ़र्क पड़ रहा है तो आपने कल कहाँ था आपका वो मॉरेलिटी, कहाँ थी आपकी, आपने तब क्यों नहीं बात करी इसके बारे में? अगर हम पत्थर लेकर के शुरू हो जाएंगे तो हमें और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? इसीलिए आज भी जो कॉमन स्टूडेंट है या लेफ्ट विंग भी है, किसी ने भी वायलेंट तरीके से उसको रिटेलिएट नहीं किया है। लड़कियों के सर पे कांच लगा है, लड़कियां बाथरूम में टंकियों के पीछे सब जगह छुप के हमें मैसेज कर रही थी। मैं सुबह से यहाँ पे इसीलिए हूँ कि लोगों को मदद करने के लिए, बट यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई किसी की मदद नहीं करने को तैयार है। जो ये बातें करते हैं कि JNU में देश के विद्रोही की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद यहाँ 5 साल से हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ कोई इस बारे में बात भी नहीं करता है। जो ये नारेबाजी है ये सब फ्रॉड है, ढोंग है, सरकार इसको दिखा करके अपनी खुद की कमियों को छुपा रही है। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर स्टूडेंट उसके लिए बोलता है तो उसको कह दिया जाता है कि वो देशद्रोही है। अगर मेरे भारत माता की जय बोलने से मेरी देश के प्रेम का दिखता है तो मैं देश की भारत की माता की जय नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं देश से कितना प्रेम करती हूँ, मुझे बोल के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग सच जो दिखाना चाहते हैं तो ये दिखाइए कि ABVP का एक स्टूडेंट यहाँ पे पिटा नहीं है। मेरे क्लास के 2-4 ABVP के स्टूडेंट हैं वो कल से गायब हैं। अगर वो सच्चे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं स्टूडेंट मूवमेंट में तो कहाँ हैं वो लोग? कल से गायब है और उन्होंने अपने क्लास हॉस्टल के लड़कों को धमका के गए। वो यहाँ पर जो हिंसक करता थे उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी जी। तो अब तक पुलिस ने किन किन लोगों को गिरफ्त में लिया, इसका कोई आइडिया है आपको? कोई स्टेटमेंट नहीं आया पुलिस की तरफ से, कोई यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबको पता है कि यहाँ पे कोई पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। बाहर के लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको मीडिया में अलग नैरेटिव दिखाया जा रहा है। जो ये DNA चलाते हैं भाई साहब, हमारे तिहाड़ी भाई साहब सुधीर चौधरी, उनको बताना चाहिए कि एक्चुअली में DNA में क्या DNA करना चाहिए। उनको कुछ पता नहीं है, वो खाली लंबी लंबी हाँकते हैं, उनको कुछ आता नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं और बाहर के लोगों को एक दूसरा ही सिक्का पहलू दिखाते हैं, इस तरफ की बात नहीं दिखाते हैं। बाहर कुछ ABVP के लड़के भी, कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े थे आपके, वो हाथ में उन्होंने पट्टी बांध रखी थी, वो कह रहे आप जरा आप ड्रामा है, आप उनका और मेडिकल रिपोर्ट मांगिए, MLC करवाइए, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कराया, आप MLC दिखाइए ना, MLC अगर उन्हें वो सिर्फ
मुझे ऐड ये करना है कि एबीवीपी को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो एबीवीपी इस चीज़ का प्लीज़ ढोंग ना करें कि पिटें। एक भी इंसान एबीवीपी का नहीं पिटा है, एबीवीपी ने बल्कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प की कि इनको मारना है, ये लेफ्ट वाले टीचर्स हैं तो इनके वार्डन के घर में जाके पीटना है। तो टीचर्स पिटे हैं, स्टूडेंट्स को पीटा गया है, टारगेट किया गया है, कितने लोगों में डर फैले उसके लिए मेहनत की एबीपीपी ने, मेहनत की है, पूरी मैपिंग की है, ब्लूप्रिंट बनाया कि कौन कहां से, बताया गया है कि इस वाले गेट से एंट्री करवा सकते हो। हायर्ड जो RSS और एबीपीपी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं जिनमें दिमाग नहीं होता, सिर्फ शक्ल देख के जो वोट लेकर आते हैं, वो हायर हुए हैं वहां से, पूरा दिल्ली प्रदेश एबीपीपी को जुड़ा है। अमित शाह अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने वाइस चांसलर को, जो कि ढक्का ने किसी काम का नहीं है। अमित शाह को 3 बार मैंने दिल्ली पुलिस को फोन किया, विच वॉज अ खिलौना नंबर 100, उस पर इतना वॉमिट आउट दो, आई वॉज नोइंग कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद भी एक बार भी रिवर्ट नहीं हुआ है। 100 PCR पे कहते हैं ना आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, मैंने बोलती रह गई कि आप आओ, तो उस पर नहीं आया गया, मैं देख रही थी, इट वॉज जस्ट अ ट्रायल नंबर 100 खिलौना कल हो गया। अमित शाह के कहने पर यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली के दिल में जब JNU जैसी यूनिवर्सिटी को आप सेफ नहीं कर पा रहे, अब मैं बोले मतलब आप कहना है कि 5:30 बजे से स्क्रैप डीलर मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैडम आपका सामान हम अब पहुँचा देंगे खाने पीने का, आप रूम से बाहर मत निकलेगा। मतलब JNU के यहाँ जो स्क्रैप डीलर जो काम करने वाले हैं, वो भैया को पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है 5:30 बजे। JNU ओल्ड कैंपस 1 किलोमीटर से पुलिस अचानक से डिप्लॉय होनी शुरू जाती है, और रात होते होते इलेक्ट्रिसिटी काट के मारा पीटा जाता है। उसके बाद से जो पालतू कुत्ते हैं ABBP के, वो हायर्ड होंगे, वो जाएंगे कि मेरी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि ABBP सबसे गधा, अगर स्टूडेंट अगर देखा जाए ग्रुप, अगर आपको एड्रेस करना है तो ABBP गुट है, और हकलाना शुरू करते हैं, उनके पास फैक्ट्स नहीं है, फाइंडिंग्स नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और एक एडमिशन कैसे होता है? नहीं नहीं, एडमिशन कैसे हो जाता है, आप यही कहना चाहते हो ना, मतलब किसी भी तरह से आप कर देते हो, इतना टैलेंट यहाँ पर आके जो 5-7 साल जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे घिसते हैं, जो कहते हैं ना कि हम दलित को उठा के लेकर आ रहे हैं, हम गांव से होकर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो ABBP के वो अपर कास्ट हैं, जो गाँव से आप लेकर, एक मिनट, जो गाँव से जो लेकर आ रहे हैं वो आप किसको लेकर आ रहे हो, अपर कास्ट आ रहे हैं वो डट के हिंदी मीडियम से, वो बेसिक एंट्रेंस आप 2 साल से तैयारी करके गधा एंट्री ले लेता है। सो ABBP में बहुत टैलेंट है, वो देख लीजिए, गोबर की दुकान है, इट्स अ हब, और अमित शाह इज अ बाप ऑफ दैट। So yes, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो, और अब तो अमित शाह के ऐसे दिन आ चुके हैं कि गाली तो पता है मैं उठा ली जाऊंगी, ये वाला मॉडल चल रहा है इतना, ये देश सिर्फ 2 गुंडों के सहारे है, एक अमित शाह और एक मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे BJP में, मुझे रिस्पेक्ट है, इतना तो अरुण जेटली जी हैं, सुषमा स्वराज है, बट इतना बुरा गिरकर, आपका संजीव भट्ट है, उसकी पूरी फैमिली, ही वॉज अ सोल विटनेस, SIT को क्लीन चिट मिल गई है, अजीत पवार क्लीन चिट मिल गई, BJP के साथ जुड़े, अगले दिन क्लीन चिट लेके वो निकल गए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मोदी और शाह के खिलाफ जाओ तो आपको कब दफना दिया जाए, कब गायब हो जाओगे हवा के झोंके की तरह से, पता नहीं। JNU तो कुछ भी नहीं है, वो रोन देगा, शाह एक गुंडा है, 2024 तक हमें एक गुंडा पार्टी को पूरे देश के लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं, अगर इतने अच्छे से ही वो बहुत देश चला रहे हैं, तो हमें थक हार के रोना पड़ रहा है, ठंड में ठिठुरती, ठंड में 118 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, और हम ठंड में सिर्फ बेसिक अधिकारों के लिए आ रहे हैं बाहर, तो लेकिन आपकी पब्लिक सिंपैथी लेकिन नहीं बन रही ना, क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया तो बिक गई है, मीडिया को खरीद लिया गया है। अंजना ओम का श्यम BA पास जर्नलिस्ट हमें थ्योरी बताएंगे, पूरी सदियां बाल सफेद हो गए, हम सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, और वो चिल्लाए जा रहे हैं, तो हाँ उनके पास एड्रेस करने के पास माइक है, हमारे पास माइक नहीं है, नहीं उसकी बीवी उसकी बीवी नहीं होती उस, और मोदी के पास तो बीवी नहीं है, जिसने अपनी माँ को त्याग दिया वो धरती माँ को क्या इज्जत देगा, देश की माँ को। SIS के डीन का खुलेआम कल का वीडियो है जिसमें वो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स को उन्होंने मारा है, उन्होंने बोला है, जब पूछा गया डीन से कि क्यों मार रहे हो, तो कहते हैं मोबाइल चोरी हुआ। अगर मोबाइल चोरी होने पे इस तरह मारा जाता है, पहली बात तो कोई मोबाइल चोरी नहीं हुआ, बट डीन की खुलेआम वीडियो बनी जिसमें वो स्टूडेंट्स को खुद मार रहे हैं, जहर उगलते हैं वो दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, उसकी मैं खुद आई विटनेस हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने जहर उगलाया दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये सारे जो भी लोग हैं BC के साथ जुड़े हुए, वो सब प्रोटेक्टेड है सेफ हाउस में, पर उनको कोई भी नहीं कर सकता है प्रोटेक्ट। मेरा बस इतना ही कहना था मैम, BC को लोग कहते हैं रिजाइन दे दे, BC रिजाइन नहीं देंगे, क्योंकि वो पालतू हैं, बहुत ही फेवरेट जो है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अमित शाह के पालतू होने का, वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं, उनको ऊपर से मतलब है, सबको प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए, सब गधे हकलाने वाले, उनको नौकरी चाहिए, BA, MA पास और नेट है, उनको नौकरी मिल रही है, और यहाँ पे JNU में नौकरी लेने के लिए यू नीडेड टू हैव पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम अब्रॉड, एक अच्छा सा कहते हैं आपकी CV बनेगी तभी आपको मिले, अब तो नहीं है, बट जो जितना बढ़िया कार्य करता है, जो कहते हैं ना संदेश आदेश जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उन सबकी सेट है, ये नए हैं मैसेंजर्स खबरी लाल, जो देश जो JNU के को बेच रहे हैं,
सड़क पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आ चुके हैं हम लोग ना। जामिया क्यों आया? सिंपथी किस किस को चाहिए? हैदराबाद क्यों सड़कों पे उतर रहा है? बैंगलोर में लोग क्यों आ रहे हैं? IIT बॉम्बे क्यों सड़कों पे आ रहा है? कुछ तो बात है ना, अमित शाह ने कुछ तो किया है ना। गुंडा राज से नहीं चलेगा, CAA पे करो, करते रहो कब तक? एक महीने से दो महीने से लोग कर रहे हैं ना। महिलाएं रात को, मुस्लिम महिलाएं तो बिल्कुल नहीं निकलती, ठिठुरती हुई ठंड में बिलखते हुए बच्चे को लेकर वो सड़क पे आई हुई हैं, 118 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूटने के बाद भी। यानी कुछ तो उस पुरुष ने किया है ना, गुंडा राज इस देश में, हम उसको डिफाई करते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एम्स के अंदर जब जिन बच्चों को पीटा गया, मतलब जेलों में पीटे थे, वो एम्स में गए, भर्ती हुए जो लेफ्ट के थे, जो आईसीयू घोष भी थे, उसमें विजय गोयल जाते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल में मना करते हैं कि इनका इलाज मत करो। तो विजय गोयल बीजेपी के ना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इलाज मत करो तो वो तो ऑक्सीजन मास्क ही काटने का हो गया है ना। पुलिस एम्बुलेंस जब आ रही थी यहाँ पर, तो एम्बुलेंस की गाड़ी को रोका गया है, उसको तोड़ा गया है, उसको आने नहीं दिया गया है। पुलिस ने ये इंश्योर किया है कि बाहर से कोई भी आ ना सके सिवाय गुंडे के, RSS मास्क वाले जो ABBP के जो गुंडे हैं, दिमाग रहित, सिर्फ वो लाठी में आए, वो आ जाए, उनको जाने के लिए पूरा स्पेस दिया गया। आ भी गए, चले भी गए, पुलिस वहाँ पे खड़ी है 5:30 बजे से। मतलब एक कबाड़ी वाले भैया को पता है कि कुछ होने वाला है, जैसे जामिया में हुआ है। और उसके बाद अमित शाह कहते हैं हम इसका संज्ञान लेंगे। बहुत शर्म की बात है जब ऐसा पुरुष इस देश का नपुंसक संज्ञान लेगा जब पूरा इंसिडेंट हो जाता है, जो करवाता है। सो हमें ऐसे, हम क्या करें? देश में ऐसी बिकी हुई मीडिया है, JNU जो चीज़ पहले अभी सोचता है उसके 3 सालों के बाद जनरल जनता को समझ में आती है, वो बात वहाँ तक पहुँचती है। सो यस, हम लोग थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग है, क्वेश्चन करते हैं। अपोजिशन में पार्टी तो है ही नहीं, BJP को अगर कोई उंगली दिखा रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है पूरे तरीके के साथ, तो JNU है। JNU को रोन दो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मोदी अमित नहीं बना पाए, शर्म की बात है। दुकानदारी चला रहे हैं कब तक? इकोनॉमी पूरी खराब हो चुकी है, चरमराई हुई हालत में है, बच्चे मर रहे हैं, गरीबी है सब जगह। जितनी भी सोशल इश्यूज हैं उस पर डाइवर्ट कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन डिफेंस में गए, डुबो दिया, अब इसमें है, ये डुबो दिया, और उसके बाद उन पर कौन क्वेश्चन करेगा? क्वेश्चन तो तब करेगा ना जब आप सांस लेने की जगह दोगे, स्पेस दोगे। जब स्पेस में ही कभी यहाँ से खींचा जा रहा है, कभी वहाँ से खींचा जा रहा है, तो इंसान कहते ना अपनी स्पेस बनाने की कोशिश में है, वो प्रश्न ही पूछ पाएगा। तो चरमराई हुई हालत कर दो, और पूरी सोची समझी इनकी साजिश है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको तोड़ दो, बाकी तो गधे हैं, पकौड़े बेचेंगे। तो PhD करने के बाद मैं पकौड़ा बेचूँ? क्योंकि मेरी तो अभी हैसियत रखोगे नहीं आप। मैंने तो वैसे भी क्वेश्चन कर दिया है, ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी तो मोदी शाह मेरे को उठा के कहीं हवा के झोंके की तरह से पटक दिया जाएगा किसी कोने में, किसी को नहीं पता चलेगा। फिर नजीब की माँ की तरह मेरी माँ भी किसी कोने में जाके रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, फाइल इधर से उधर पहुँचेगी, CBI कहेगी छोड़ दो। तो ये हम बिके हुए समय में रह रहे हैं जहाँ पे मीडिया बिक चुकी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों की ज़मीर जागी हुई है जो सड़कों पे उतरी है, चाहे बैंगलोर हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, पंजाब हो, अलीगढ़ हो। यस, एनी भक्त कैटेगरी के लोग तो खुशी मना रहे और बोल रहे कि जिन्हों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने की वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो भक्ति में तो ऐसे लोग हैं कि मेरा सर, गलती हमारी है कि हम एक ऐसा समाज नहीं दे पा रहे कि वो भक्ति थोड़ी सी कम हो, वो भक्ति अब रहेगी, उसका कुछ कर नहीं सकते RSS का। क्योंकि कितने सालों से मेहनत की है मीडिया को खरीद के ये दिमाग में डालने के लिए कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस अगर हुई तो प्राइम टाइम में पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ दिखाई जाती है। मतलब अपने देश के मुद्दे इतने कम पड़ गए, इतने हल्के पड़ गए हैं कि पाकिस्तान के मुद्दों से हमारा घर पे राशन पानी खाना चलेगा। तो उसकी अगर फीडिंग हुई है, देशभक्ति धर्म है, हिंदू धर्म, जाति धर्म, गाय गोबर, बस इसी पे करके मेरा पेट भर जाएगा, नौकरी के लिए मैं कहाँ जाऊँगी? जय माता दी, जय गाय गोबर कर दिया मैंने वो भी, बट नौकरी कहाँ मिलेगी? मेरे घर में सैलरी कहाँ से आएगी? बताइए ना, नौकरी आप दे नहीं रहे, DU जो है वो हड़ताल अलग से कर रहा है। किस यूनिवर्सिटी में बताइए चैन शांति अमन है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आवाज़ नहीं उठा रहे कि नहीं उठा सकते? उनकी दुकान उसी दिन ताला लग जाएगा, बंद पड़ जाएंगी। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ही क्वेश्चन करिए, उनको तोड़ दिया जाए। हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही खराब है, तो इंसान बोलेगा कहाँ? बताइए ना, डॉक्टर्स को भी आने नहीं दिया जा रहा जो बुरी हालत में थे। तो एक लास्ट सवाल है आपसे कि जहाँ तक मुझे जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जो JNU के VC हैं वो RSS से ही वो रखते हैं, तो इसीलिए उनकी भी इसमें मिली भगत बताई जा रही है, सुनने को मिल रहा है, क्या लग रहा है? JNU के VC बताई जा रही है मिली भगत है, वो RSS से काफ़ी सालों से जुड़े हुए रहे हैं, और शायद उसी वजह से उनको VC का पद मिला है, और इसी वजह से दुनिया कुछ भी करे, पूरी दुनिया एक तरफ और अमित शाह का पालतू VC एक तरफ।
सो अब वो जुड़े हुए नहीं है, वो है, वो संघ के हिस्सा है, उसको अब संघ की जब भी मीटिंग होती है वो जाते हैं, भले जे एन यू की मीटिंग में आए या ना आए। जे एन यू की भी मीटिंग जो पालतू जो लोग हैं ब्राह्मणवाद वाले, ब्राह्मण से यार कब तक चले रोटी चल पाएगी, हिंदू धर्म हम ऊँची जाति के, ठीक है, ऊँची जाति के भी हैं, ब्राह्मण भी है, हिंदू भी है, सब कुछ है, तिलक भी लगाते, नौकरी गए हैं तो हाँ, वीसी तो उनका है, फालतू है, और अमित शाह तो बैटिंग भी की है, तो अभी वो रहेगा, जितने भी गुंडे हैं देश के वो सब अपनी जगह पे कुर्सी बना के बचा के रहेंगे, बस वही है जो उंगली करने वाले लोग हैं उनकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उनको इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, रौन दिया जाएगा कि वो कभी उठा के उठ के खड़े होके ना बोल सके। संजीव भट्ट ने पूरी कीमत चुकाई है उसके परिवार ने, उनको इतनी बुरी तरह से रौंदा गया है गोधरा में, तो गोधरा हमने देखा, अयोध्या हमने देखा, हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखी, हमने जामिया देखा, और हम खुद हैरान थे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक हो गया, घुसकर जे एन यू की भी बारी आएगी, हमने ऐसे ही कहा था, क्योंकि जे एन यू पहले सोचता है और तब दुनिया सोचती है समझती है, तो हमें पता था होने वाला, और लाइट काट के ही मारेंगे तो हो गया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।